हे गाइस, वेलकम टू ईशान से रिव्यू। एंड मैंने अभी भी देखा कि एक डीसी की तरफ से एक और नया ट्रेलर यहाँ पे आया हुआ है जो ब्लू बीटल के नाम से, जो कि ये कोई नया सुपर हीरो लग रहा है। एंड या आई एम एक्साइटेड। थोड़ा अच्छा, मतलब एक यंग अलग वाइब दे रहा है, मतलब पोस्टर देखने के बाद जो थंबनेल उन्होंने लगाया। तो आई एम एक्साइटेड अबाउट द ट्रेलर कि क्या है इसके अंदर। एंड देखते हैं क्या ये डीसी के यूनिवर्स में रहेगा या कैसा रहेगा, वो भी देखेंगे इस ट्रेलर को देखने के बाद क्या है, सारी बातें करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहले इसको पहन लिया, हेडफोन्स पहन लिए जाए एंड रिएक्शन करते हैं स्टार्ट। एक्सक्यूज मी मिस्टर रेयस, तुमने सोफे पे चिपका च्युइंगम निकाला या नहीं? फिलहाल सब बहुत से दूर लग रहा है। तूने आज तक कभी हार नहीं मानी ब्रो, तू हाई में है। ये लॉकडाउन के बाद अब निकले हैं। जेनी, इसे जान से ज्यादा संभालना, लेकिन इसे खोलना मत। हमें जॉब पे लगाने गया था और क्या लेके आया? एक बर्गर? नहीं, इसमें बर्गर नहीं हो सकता। तूने खोल के देखा? आखिर ये क्या चीज है? तू ये इससे कैसे करवा रहा है? शायद इसे मैं अच्छा लगा। तुम्हारे मुंह पे चिपक गया, निकालो इसे, इसे निकालो। हाय मे, वैसे ही लग रहा है थोड़ा बहुत। मैं स्पेस में वापस लैंड करते हैं, रेडी? रुको रुको रुको, नहीं नहीं नहीं, दिस इज व्हाट यू वांट। ओह गॉड, व्हाट यू वांट। ये हो क्या रहा है? इस साल फूल, इस चीज को स्कैरब कहते हैं। ये किसी तरह का तबाही मचाने वाला हथियार है, पर जो पहनता है उसकी रखवाली करती है। कभी कभी तुम्हारी सुनेगी, कभी अपनी मर्जी चलाएगी। मैंने बस को टिकट की तरह फाड़ दिया। स्कैरब ने तुम्हें चुना तो है, पर वो है मेरी अमान। तुम्हारा अपने परिवार के लिए प्यार तुम्हारी कमजोरी है। तकदीर ने तुम्हें एक तोहफा दिया, पर इसका सही इस्तेमाल तुम्हें ढूंढना है। तुम बस सोचो क्या चाहिए, मैं वो बना दूंगी। चलो मचाते हैं। चॉइस अच्छी है। कूल यार। ब्लू बीटल। बैटमैन के गैजेट्स की तरह। बैटमैन तो तानाशाह है। जल्द सिनेमा घरों में। कूल, मतलब काफी अच्छा ट्रेलर था। एंड लास्ट में बैटमैन का रेफरेंस मिला, यानी कि डीसी के यूनिवर्स में रहेगा। एंड यह काफी इंटरेस्टिंग था, बट थोड़ा वेनम जैसा लग रहा था। मतलब वो स्टार्टिंग का जब सीन था वो, एंड थोड़ा बहुत आयरन मैन टाइप जैसे उड़ के जाता है। बट मैं कॉपी नहीं बोलूँगा, चिंता मत करो, ये तो आ जाएंगे लोग। बट यार काफ़ी कूल ट्रेलर था, पसंद आया मेरे को। आई एम एक्साइटेड इसके लिए भी, मतलब हर इसमें बोलता हूँ, मुझे पसंद आता है ये। काफ़ी इंटरेस्टिंग था, देखने में भी बहुत बढ़िया था। एटलीस्ट डीसी का कुछ अच्छा एक ट्रेलर लगा मुझे, आफ्टर फ्लैश शज़ाम उसके बाद कुछ एक इंटरेस्टिंग, एक इंजॉयबल, काफ़ी सही लगा। आपके ओपिनियन जरूर से बताना, मैं जानना चाहूँगा आपके ओपिनियंस क्या है इसके रिलेटेड। मुझे काफ़ी पसंद आया ये, मतलब जिस हिसाब से ट्रेलर को बनाया था वो भी बहुत बढ़िया था। एंड मज़ा आ रहा था मुझे, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसको देखने के लिए। मतलब काफ़ी अच्छा ट्रेलर उन्होंने बनाया था। आपके व्यूज़ ज़रूर से बताना कमेंट सेक्शन में, ताकि मुझे भी पता चले आप क्या इसके बारे में, आपके आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है कि क्या है, कौन है, तो उसे बताना। एंड यार इसको डीसी के इसमें इंट्रोड्यूस करेंगे या नहीं, मतलब देखना चाहिए। मतलब डेफिनेटली करेंगे, बट कैसे करेंगे क्या है देखते हैं। मैं मुझे मज़ा आया ट्रेलर में, आपके ओपिनियन जरूर से बताना। अगेन एक और बार बोल रहा हूँ मैं, बट या बताना ज़रूर। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, लाइक शेयर सब्सक्राइब। सो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।